हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग में तैनात किए गए हजारों वर्करों ने सरकार से उनके लिए पॉलिसी बनाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही पैरा पंप ऑपरेटर व पैरा फीटर कर्मियों ने उन्हें 5 वर्षों में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने की मांग उठाई है। इसी मांग को लेकर सीएम के मंडी दौरे के दौरान पैरा पंप ऑपरेटर व पैरा फीटर संगठन के पदाधिकारियों ने सीएम से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा। सीएम से मिले आश्वासन के बाद कर्मियों को सरकार द्वारा उनके भविष्य को देखते हुए सही फैसला होने की उम्मीद जगी है। संघ जिला मंडी के प्रधान अनिल चौहान ने बताया कि उन्होंने संगठन की तरफ से सभी कर्मियों की मांगों को लेकर सीएम से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपा है। संगठन ने मांग उठाई है कि 2017 में नियुक्त हुए वर्करों को सरकार कोई पॉलिसी बनाकर 5 वर्ष पूर्ण होने पर 2022 में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे, जिससे आने वाले समय में उन्हें स्थायी नियुक्ति मिल सके। मुख्यमंत्री से जी मिले और हमने बोलने का मतलब उनसे आपने मांग पत्र को दिया हुआ है कि हमारा जो कार्यकाल का जो समय है वो 5 साल का उसमें हो, और बोलने का मतलब ऐसा है कि हमारे को 5 साल के बाद हमारे को नियुक्त किया जाए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लाए जाएं। और हम बोलने का मतलब न्यूज हिमाचल की तरफ से हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार के पास पहुँचाएँ, और ताकि हमारा जो लंबा जो समय लग रहा है उसको नज़दीक से नज़दीक करने की कृपा करें। और हम मुख्यमंत्री के साथ जी के साथ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे आईपीएच के जो जल शक्ति विभाग के जो मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से भी यही आश्वासन हम कहना चाहते हैं कि वो हमारा जैसे 5 साल का जो कार्यकाल हो और उसके बाद हमारे को कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाए, ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और अपने कार्य को सफलतापूर्वक बनाए रखें। हिमाचल दस्तक बैप टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।